मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। एंड्रयू हैरी एंड्रयूज जो ब्रिटिश ओलंपिक में कोच हुआ करते थे, 1903 में एक स्टेटमेंट दिया और ये ओलंपिक टीम के कोच थे ब्रिटिश की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बहुत बड़ा कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, ये लाइन उन्होंने लिखी और पूरी दुनिया में फैलाई कि 1 मिनट की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। यह हो नहीं सकता कि आदमी कभी भी इतना कैपेबल हो जाए कि 4 मिनट के अंदर वो 1 मील क्रॉस कर सके। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आदमी इतना सक्षम हो जाए शारीरिक रूप से कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले खत्म कर दे। लेकिन किसी बेवकूफ ने बात सुनी नहीं और निकल के आए रॉजर बेनेस्टर, और रॉजर बेनेस्टर ने 4 मील की यात्रा 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिलीसेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में जो चीज कभी नहीं हुई थी, रॉजर बेनेस्टर ने उसको प्रूफ किया कि नहीं, असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पूरे अखबार, पूरे किताबें छप गई इनके नाम से कि रॉजर बेनेस्टर ने वो कर दिया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, और ब्रिटिश ओलंपिक का जो कोच था उसको झूठा साबित कर दिया, जो अपने आप में कहा जाता था कि महानतम कोच में से एक है, और ये क्लेम करता था कि मानव के अंदर इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई आज तक कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कर सके। दोस्तों, जब भी कोई बात कही जाती है बड़ी प्रमाणिक तौर के साथ, तो बाकी सब लोगों में संशय होना स्वाभाविक होता है कि ये अब असंभव हो गया, ये हो नहीं सकता। और तब तक नहीं हुआ जब तक एक व्यक्ति ने नहीं किया। रॉजर बेनेस्टर निकल के आया 1954 के अंदर और 1954 के अंदर उन्होंने वो कीर्तिमान बनाया। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 1954 तक ही असंभव था कि कोई व्यक्ति 1 मील 4 मिनट से पहले कर सकता था। बहुत लोगों ने ट्राई किया, फेल हो गए, 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 क्योंकि मस्तिष्क में एंड्रयू श्रॉस गूंजते थे, वो मस्तिष्क के, वो ब्रिटिश का जो कोच था उसके दिमाग में बातें गूंजी थी कि ये तू कर नहीं सकता जिस काम के लिए तू करना चालू किया है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ठीक इसके 10 बरस के बाद 1964 के अंदर स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम रियोन करके इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ के भाग गया आगे। वो इसके रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया, जो 3.59.4 था वो 3.59 तक रह गया। स्कूल जाने वाले लड़के ने 10 साल के बाद इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पे दौड़ा तो उसके मस्तिष्क में वो ओलंपिक का जो कोच था उसका बात दिमाग में नहीं था, उसके मस्तिष्क में था कि रॉजर बेनेस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इफ वन कैन डू, आई कैन डू। नथिंग इज नथिंग।